आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आज सपा कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू जागरण मंच के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुतले को लेकर प्रशासन और सपा कार्यकर्ताओं में छीना झपटी हो गई। उसी दौरान सपा कार्यकर्ता चोटिल हो गए। वहीं ACM दुतिया ने बताया कि इन कार्यकर्ताओं के पास में एक पुतला था, उसी पुतले को लेकर छीना झपटी हुई थी। उसी छीना झपटी में सपा कार्यकर्ताओं को चोट लग गई, जिसकी मौके पर वीडियो भी प्रशासन के पास मौजूद है। उस वीडियो को देखने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इनके पास जो पुतला था वह देखने से हिंदू जागरण मंच का लग रहा था। अलीगढ़ से बबलू खान के साथ आस मोहम्मद की रिपोर्ट। माफी मांगेगा ऐसो पारसी, जब तक माफी नहीं मांगेगा जब तक हम धंधे पर बैठे यहाँ पर बैठो। 100 रुपए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अर्जुन ठाकुर, जिला अध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड। क्या हुआ आपके साथ? जब यहाँ से हम शांतिपुरा पुतला लेकर वहाँ फूकने जा रहे थे, प्रशासन को पहले से ज्ञात था। देखिए ये हो रहा है मोदी योगी की सरकार में। जब पहले से हमारा प्रोग्राम प्रस्तावित था कि हम पारसी चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री का पुतला फूकेंगे, उसके बाद भी पारसी इंस्पेक्टर ने लाठी चार्ज किया मेरे ऊपर, जहाँ से मारने की कोशिश करी है, गाली गलौज करी, बटों से राइफल की बट से ये मारा है। उधर भी तो दो दिन पहले से ही प्रस्तावित था, जैसा कि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री है सुरेंद्र सिंह भागवत, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को बंधक बनाकर जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वाने की और आसमान की बात कही गई तो भस्म करने की बात कही गई थी, जिसके विरोध पर यूथ ब्रिगेड ने यह पहले से ऐलान किया था कि हम उनका पुतला दहन करेंगे क्वारसी चौराहे पर और मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे। जब पहले से प्रोग्राम प्रस्तावित था और यहाँ से पुतला लेके चले तो इंस्पेक्टर क्वारसी ने पूरे पुलिस बल के साथ हम पर डबल धावा बोल दिया और लाठी चार्ज किया, और इस वजह आप चोट देख भी रहे हैं। गंदी गंदी गालियाँ थी। पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ था, जबकि हम प्रशासन की लड़ाई लड़ रहे थे। एक गुंडे जिसको पकड़ने के लिए पूरी प्रशासन नहीं लग सकता, यहाँ पूरा छावनी बना दिया पूरा कार्यालय 20 कार्यकर्ताओं के लिए, और एक आदमी को पकड़ने के लिए उनका जो जिलाधिकारी को धमकी दे रहा, खुले आम वन प्लस ऑफिसर को धमकी दे रहा, उसके लिए कुछ नहीं, चूड़ियाँ पहन रखी पूरे प्रशासन ने। हम पे ही उनकी गुंडाई चल रही है पूरे प्रशासन की। उस गुंडे को पकड़े भाजपा वाले को, जो भाजपा के सपोर्ट पर महामंत्री बना बैठा है विश्व हिंदू जागरण मंच का, उस पर कार्रवाई करें। अगर दम है प्रशासन में तो हम तो निहत्ते, हमारी सरकार नहीं, हम संघर्ष के समय कर ही कह सकते, और पीट लो और संघर्ष करेंगे और पिटेंगे, लेकिन जो सत्य है वही कहेंगे। ये सपा पार्टी की तरफ से, यूथ पार्टी की तरफ से एक हिंदू जागरण मंच के खिलाफ एक ज्ञापन दिया जाना था, उसी के संबंध में संज्ञान में आया कि इनके पास कोई पुतला नहीं है, पुतले को छीना झपटी में शायद किसी की चोट लग गई, उसी के संबंध में इनका ये विरोध है। तो अगर कोई वीडियो है या जैसा भी है, जो भी होगा, नियमानुसार कार्रवाई करी जाए, लेकिन प्राइमा पैसा यही है कि छीना झपटी में